हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। रात में यार एडिटिंग वगैरह करते करते बहुत लेट से सोए थे, और जिस रूम में हम सोते हैं उस रूम में कल सोए भी नहीं थे, उसके कारण मेरा नींद कंप्लीट अभी जाके हुआ है कुछ देर पहले। सो लंच भी किए हैं, अभी टाइम 3 बज रहा है और संडे आज, जिम भी जल्दी बंद हो जाता है आज, तो अभी हम डायरेक्ट निकलेंगे। घर में ही प्री ले लेंगे क्योंकि हिट होते होते थोड़ा टाइम लग जाता है, कम से कम 20 मिनट पहले तो ले ही लेना चाहिए। तो प्री ये घर में ही बनाएंगे और आज हम करेंगे बैक और बाइसेप्स। फिर रात का नींद जो है वो दिक्कत में पड़ सकता है, लग रहा ज़्यादा डाल क्योंकि ये फ्लेवर जो है भाई वो बहुत ज़्यादा मीठा है और इसके कारण। सो आज होने वाला है मेरा बैक और बाइसेप्स, और एक अच्छी चीज़ ये है कि अभी जिम खाली है, और अभी क्या मतलब मेरे ख्याल से दिवाली के बाद से अभी तक ऐसा कोई खास भीड़ नहीं रहा, तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि वीडियो बनाने का। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, क्योंकि अभी बाहर का वेदर बहुत ठंडा है और जिम का वेदर और ज़्यादा ठंडा है, और ठंडे सीजन का एक दिक्कत यह है कि भाई बॉडी वार्म अप बहुत लेट से होता है। अभी हम 6 दिन पहले का बता रहे, 6 नहीं 10 दिन पहले का, रस होल्डर जैसे कि पिछला वीडियो में बताए होंगे इंजरी हुआ था हल्का। सो मोस्टली इंजरी जो हमको हुआ है लोअर बैक में कहीं पर भी, तो इसी टाइम हुआ है क्योंकि बॉडी वार्म अप नहीं होता है जल्दी, इसलिए एक्सरसाइज से पहले भाई बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे से स्ट्रेचिंग कर लेना, ठीक है। अगर नहीं स्ट्रेचिंग कर रहे हो तो जो वार्म अप सेट ले रहे हो 3-4 अच्छे से वार्म अप सेट ले लेना, ताकि बॉडी अच्छे से जिस पार्ट को टारगेट करने जा रहे हो उसको अच्छे से गर्म कर लो। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि बैक कर रहे हो ना तो जितना भी तुम्हारा निगेटिव होगा ना, जो अगर तुम खींच रहे हो और उसके बाद जब रिलीज़ करो तो जितना ज़्यादा स्लो जा सको, जैसे कि तुम लोग देख रहा होगा मेरा वार्म अप सेट में भी नेगेटिव जो था जब हम छोड़ रहे थे रिलीज़ कर रहे थे, तो जितना ज़्यादा स्लो बैक पे एकदम पड़ना चाहिए कि रिलीज़ होना चाहिए, तुमको वो पता चलना चाहिए कि बैक मेरा मूव कर रहा है। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक और चीज़ कि अगर तुम पार्सल ले रहे हो तो लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और लास्ट का कुछ सेट्स है, जैसे मेरा ये आखिरी सेट था, इसके बाद हम वेट ड्रॉप कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा जर्क भी ले सकते हो अगर तुम एक अच्छा टाइम दे चुके हो, 1-2 साल 3 साल हो चुका है जिम में, तो थोड़ा बेंड होके, क्योंकि तो उसमें कोई ऐसा इंजरी होने का चांसेस नहीं रहता है उतना, ठीक है। एक बार ये लाइटनिंग चेक कर लो भाई, पता नहीं क्यों लगाया गया है, दिवाली भी खत्म हुआ, वो पहले लगा था दिवाली के लिए लगाया गया, लेकिन अब क्यों लगाया गया पता नहीं। सो अगला जो एक्सरसाइज है मेरा वो है सिंगल हैंड केबल रोइंग। Oh.
अभी ये हो रहा है ना कि मेरे लेफ्ट हैंड से इजीली 12 रैप लगा और राइट हैंड से 12 रैप लगा, बट लास्ट का जो 3 रैप था वो हमको ज़बरदस्ती खींचना पड़ा। तो ये हो सकता है कि मेरे लेफ्ट हैंड में थोड़ा, क्योंकि हम स्टार्ट जो करते थे ना बहुत टाइम से, बहुत सारा एक्सरसाइज जो यूनिलैटरल है वो लेफ्ट हैंड से ही ज़्यादातर करते थे। सो अभी हमको जब भी स्टार्ट करना होगा ना तो राइट हैंड से करना होगा, क्योंकि थोड़ा स्ट्रेंथ आगे पीछे हो चुका है, क्योंकि इसमें इजीली 12 लग गया, वो लगा और लग सकता था, बट इसमें 9 में ही हालत ख़राब हो गया, 3 रैप ज़बरदस्ती खींचना पड़ा। तो ये हो सकता है, तो इसके लिए अगर तुमको लग रहा है कि स्ट्रेंथ एक में कम है एक में ज़्यादा है तो स्टार्ट किया करो जिसमें कम है उससे। दूसरा एक्सरसाइज है और ये मेरे मेन लेने का रीज़न यही है कि अगेन वो लोअर बैक का इशू, सो अभी हम यही ले रहे हैं, और ये तो वो भी ले सकते हो तुम्हारे ऊपर है। और ये जो वेट है बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, जो कि हम पिछला शेड्यूल मारे थे, तो इसको वेट को निकाल के 60 kg करेंगे और ट्राई करेंगे 8 से 10 रेप लेने का। एक और चीज़ कि अगर बैक को बहुत प्रॉपर तरीके से ट्रेन कर रहे हो ना तो बहुत हद तक इसमें रियर डेल्ट्स ये वाला पार्ट ट्रेन हो जाता है। तो मेरा थोड़ा वीक है रियर डेल्ट्स, इसके कारण हम 2 दिन ट्रेन करते हैं, बाकी बाद बहुत सारे देखो इसी में, इस वाले पार्ट में रियर डेल्ट्स इन्वॉल्व है, इस वाले पार्ट में वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों में रियर डेल्ट्स इन्वॉल्व है। सो अगर रियर डेल्ट्स वीक है तो ट्रेन करो अच्छे से, बाकी बात हमको नहीं लगता ऐसा ज़रूरत होता है कोई रेडल्स को ट्रेन कर। स्ट्रैप क्या करेगा कि बहुत हद तक जो अब हम पुश कर रहे हैं ना, तो वो मेरा पुश जो है वो या तो फोरआर्म से हो रहा है या तो बाइसेप्स से हो रहा है, तो ये इस स्ट्रैप यूज़ करने से सारा लोड जो है मेरा बैक पे आने लगेगा। सो इसके कारण 65 करेंगे, तो 60 था। 3 more 6 7 1 सही आ रहा है। आखिरी एक्सरसाइज होगा, तो इन टोटल टोटल 4 एक्सरसाइज लिए बैक में, और जो मेरा आखिरी एक्सरसाइज होगा वो होगा पुलओवर। पुलओवर वन ऑफ माय फेवरेट एक्सरसाइज है भाई, अगर बात करें माइंड मसल कनेक्शन का तो इससे बढ़िया हमको और किसी चीज़ में नहीं बनता है, कोई बैक एक्सरसाइज में नहीं बनता है। तो इसमें टोटल ट्राई रैप इसमें हाई रखेंगे 10 से 12 15, ठीक है। सो भाई बैक का पूरा एक्सरसाइज हो गया, और अब लेना है 2 एक्सरसाइज बस बैक का लेंगे, और बाइसेप्स का लेंगे, और बाइसेप्स में ज़्यादा सोचते नहीं है, कोई भी अंडर हैंड या तो केबल ले लेंगे या तो डंबल ले लेंगे और एक सिंगल हैंड लेंगे, फिनिश हो जाएगा। तो भाई गेस करो ये कौन है। Oh
हो गया। हाँ तो भाई वर्कआउट बहुत जबरदस्त रहा, तो डाइट भी जबरदस्त होना चाहिए। और भाई हम करीब 10 दिन के बाद हम फिट मील कर रहे हैं, और अभी खा रहा है डबल एक चिकन रोल, और ये खा रहा है सिंगल एक चिकन रोल, है पनीर रोल। अरे यार मेरा धर्म जगह जहाँ हम खा रहे हैं, यहाँ पे हम पिछला 8 साल से खा रहे हैं। किंग साहब कौन सा जगह है ये? कार्डी फैक्ट्री रोड। कार्डी फैक्ट्री में दिखाओ तो एक बार। देख लो भाई थोड़ा भी कंडीशन खराब है। अबे सीधा मत करो, तो यहाँ पे आके एक बार ट्राई जरूर कर सकते हो। और 2 महीने पहले कबाड़ी था, अभी रिपेयर करवाए हैं सबको बोल के, तो आप मिलते हैं घर पर, खाने तो तंग मत करो। सो ऐसे ही अगर ट्राई करते हैं डेली व्लॉगिंग करने का जितना पॉसिबल हो पाए, ठीक है। और अभी जाके मील लेंगे, क्योंकि भले ही खा लिए लेकिन और थोड़ा भूख लगा हुआ है अभी भी, क्योंकि भाई इंटेंसिटी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट था आज, भूख तो लगेगा ही। सो चलते हैं घर पे और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर देना और भाई को सपोर्ट करना। चलो मिलते हैं।